दलित मुक्ति का मतलब क्या है? पासी समाज है, मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ जो केवल खाता है, आरक्षण खाता है, वजीफा खाता है, ये सब खाता रहता है, और बात कपड़ा नहीं अच्छे से पहनता है, बोल दीजिए कि ठीक ठाक कपड़ा पहनो, जब मुंह धो लो ठीक से तो बुरा मान जाता है, गुस्सा आ जाता है, चमार समाज सेक्रीफाइस करता है, चंदा देता है, अम्बेडकर बात पर के नाम पर कुछ भी उनसे मांग लीजिए, एमएलए एमपी बनने से ज्यादा कोई ड्रीम नहीं है ना, कुछ नहीं यार, शासक बनने का ड्रीम, शासक बनने का ड्रीम है। दलित समाज में जो चिंतन है, डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, उसमें ये सब तर्क वगैरह का कोई जगह नहीं बचा है, लफंगई दबंगई बस यही रह गई है। मैं पढ़ाता हूँ या रिसर्च कर रहा हूँ तो न किसी से वोट लिया है, न किसी से चंदा लिया है, ये तो जिम्मेदारी उनकी है कि जो कि वोट लेते हैं और चंदा लेते हैं वो आंसरेबल है ना समाज के प्रति। हम अगर नहीं कुछ करें, अम्बेडकर नामा बंद हो जाए, हम कहीं धरना प्रदर्शन में नहीं जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कहीं बाधता है मेरी कोई? दुनिया का इतिहास बताता है कि एक के बाद एक उत्पादन प्रणालियां, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन रहे हैं, वो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव रहे हैं। मसलन स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन का जब नाश हुआ तब उसमें से फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन निकला, सामंतवाद, और जब फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का क्षय हुआ तब वहां से निकला कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, पूंजीवाद। कार्ल मार्क्स ने उससे आगे की समाज की व्याख्या की थी, समाजवाद और साम्यवाद। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा, बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चंद्रभान जी के साथ चर्चा करने वाला हूं। चंद्रभान जी पहले कॉमरेड थे, वामपंथी थे, लेफ्ट विंग स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़े थे, संगठन के साथ जुड़े थे, धीरे 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 ये अभी कैपिटलिज्म, दलित कैपिटलिज्म के आइडियोलॉग हैं, लगातार अखबारों में कॉलम्स लिखते रहे हैं, किताबें इनकी हैं, और दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के साथ अभी इनका कोलैबोरेशन चल रहा है, उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं जहां पर आइंस्टाइन पढ़ाते थे। तो ये समझना है कि क्या भारत में इरफान हबीब साहब जो कि बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था पोटेंशियलिटीज ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया, और जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में पूंजीवाद के विकास के जो है संभावनाएं नहीं है। आजाद हुआ भारत, मिक्स्ड इकोनॉमी बनी, वेलफेयर स्टेट का नोशन आया, लेकिन क्या सामंतवादी बेड़ियां टूटी? जमींदारी उन्मूलन होने के बावजूद सामंतवाद का पतन हुआ या सामंतवाद नए तेवर कलेवर के साथ फिर उसकी वापसी हुई? ऐसे में दलित मुक्ति के सवाल कैसे सॉल्व हों, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। निजीकरण का जमाना है, जो भी सरकारी संस्थाएं थी, रिजर्वेशन था, धीरे धीरे वो इररिलेवेंट होता जा रहा है। चंद्रभान जी अभी आजमगढ़ से एक फील्ड वर्क करके आए हैं कि गांव में जो बेड़ियां हैं, सामंतवाद की जड़ें गांव में होती हैं, क्या फाइंडिंग्स है, क्या सामंतवाद से पूंजीवाद एक अगला स्टेप है, प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्या समाजवाद या साम्यवाद आने से पहले अगर कैपिटलिज्म है तो कैपिटलिज्म के रूल्स के हिसाब से गेम खेला जाए, क्या दलितों की मुक्ति इस पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है, दलित सबकी मुक्ति संभव है, कुछ लोगों की मुक्ति संभव है, क्या क्या होगा, पूरा डायमेंशन क्या होगा, दलित आर्थिक मुक्ति के दस्तावेज क्या होंगे, गांव में लोकल लेवल पर क्या चल रहा है, क्या सामंतवाद की बेड़ियां टूट रही हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, क्या मसला है, तमाम इस एपिसोड में सुनने और समझने वाला हूँ चंद्रभान जी से। स्वागत है चंद्रभान जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय भीम। जय भीम, जय भारत। तो अभी आप अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ आप किताब पे काम कर रहे हैं, और किताब का थीम क्या है? देखिए, अभी मुझे कुछ वर्षों से ऐसा लगने लगा है कि दलितों का पतन काल शुरू हो गया है। अच्छा, 2050 तक दलित मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास श्रिंक होकर इतना बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और मतलब आप जब दलित मिडिल क्लास कह रहे हैं तो नौकरी पेशा क्लास कह रहे हैं। हाँ, ऐसे क्लैरिटी कर दी। हाँ, यस क्लैरिटी में कर दे रहा हूँ। और दलित समाज का इस पर कोई खास असर नहीं है। दलित समाज का इस पर क्रोध नहीं आ रहा है,
तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ, मैंने कंक्लूड किया है दलित समाज का स्वर्ण काल चला गया। तब मैं कुछ कुछ कारणों को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, कि जो दलित चेतना का निर्माण इतने सालों से हो रहा है, अम्बेडकर बात फैल रहा है, 14 अप्रैल पर चले जाइए संसद मार्ग पर दिल्ली के, तो इतना जोर जोर से दलित सड़क पर चलते हैं, लगता है कि सड़क ही धंस जाएगी। पर इसी के साथ साथ हमारे एक दोस्त हैं जो लखनऊ से है, उनका बेटा पढ़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई फीस माफ़ी नहीं, कोई वजीफा नहीं, वो क्लर्क हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें मैं फ्रेश सोच रहा हूँ, जैसे कि डॉक्टर साहब आप इतने दिनों से एक्टिव हैं, भोपाल कॉन्फ्रेंस में भी गए थे आप, देश दुनिया देश भर में कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या हलवाही प्रथा पर किसी अम्बेडकरवादी मंच पर कोई सम्मेलन आपने सुना है? नहीं, न हलवाई प्रथा पे सुना है, न मजदूरों के मुक्ति के सवाल पे सुना है, कहीं नहीं। तो वो जो भी मैंने सुना है वो है तो, कि देश में जो है ना क्रांति मचा देना है। तो मैं पूछता हूँ बहुत सारे दलितों से कि दलित मुक्ति का मतलब क्या है? मेरे पास तो 4 कालम रहे हैं, मेरे पास राष्ट्रीय सहारा में 100-100 चिट्ठियाँ आती थी। लिखा क्यों नहीं आप उसमें? सवाल तो ये है ना, अब आपको समझ में आ रहा है। उसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो दलित जो गांव, दलित मुक्ति का मतलब क्या है? तो भाई ब्राह्मणवाद से मुक्ति है। तो ब्राह्मणवाद क्या है? शोषण की व्यवस्था है। वो शोषण की व्यवस्था क्लियरली बताइए ना, कि बुखार हुआ है या फोड़ा फुंसी हुई है या चोट लग गई है, तभी तो हम कोई दवा बताएंगे। तो अगर उत्तर भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में देखा जाए, तो हलवाही प्रथा जितनी शोषण वाली व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं रही होगी। हम जिस गांव का अध्ययन कर रहे हैं उस गांव का नाम है धरवारा। धरवारा आजमगढ़ में। आजमगढ़ में, ये आजमगढ़ से करीब 15-20 किलोमीटर पूरब होगा, जहानागंज एक मार्केट के पास में। उसमें, उस गांव में 228 दलित परिवार हैं। आपके गांव में? धरवारा गांव में, जहाँ रिसर्च कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। और 204 क्षत्रिय परिवार हैं। ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। हाँ। इस 228 परिवारों में से मात्र एक परिवार है जो किसी ठाकुर साहब के यहाँ हरवाई कर रहा है। हल तो खैर बैल रहे नहीं, लेकिन वहाँ बना रहता है, वो रेगुलर सर्वेंट दरवाजे में बैठा हुआ है। हाँ, कोई काम पड़ जाए तो। 1990 के आसपास सारे 200, उस समय कुछ कम रहे होंगे परिवार, थोड़ा अलग बिलग होने से बढ़ गए, सारे के सारे किसी न किसी क्षत्रिय परिवार से हलवाई के रूप में या किसी न किसी रूप में जुड़े थे। 90 के पहले 2008 फैमिली किसी न किसी तरीके से बाबू साहब के यहाँ जुड़े थे जीविका के लिए। जीविका के लिए। और उसमें से अब सिर्फ एक परिवार है। जुड़े रहने का एक और भी तरीका है, बहुत सारे दलित परिवार जो जब छत्री दरवाजों से उनकी मुक्ति हुई तो वो उनमें से 42 लोग अभी भी छत्रियों से जुड़े हैं, कुछ शेयर क्रॉपिंग कर रहे हैं, बटाईदारी कर रहे हैं, कुछ तो रेहन पर जमींदारों से जमीन ले रखे हैं, किराए पे लेके अपना करते हैं, रेंट दे देते हैं उनको। रेहन मतलब। अच्छा। कि चमार छत्री समाज से जमीन को रेहन ले, गिरवी ना उसको। तो इससे बड़ी क्रांति क्या उत्तर भारत में कुछ हो सकती है? तो केवल 42 परिवार जुड़े हैं, उसमें से भी मोस्ट ऑफ देम आर शेयर क्रॉपर्स, पार्टनरशिप में हैं। इसकी वजह क्या है? तो कोई कहेगा अंबेडकर बाद, कोई कहेगा कांशीराम साहब का आंदोलन, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। इस 228 परिवारों में से 262 दलित बाहर चले गए हैं, दिल्ली बम्बई फरीदाबाद, इधर उधर, अहमदाबाद, ठीक है। और 107 परिवार लोकल लेवल पर भी, कोई ड्राइवर है, कोई घर बनाता, मतलब बाजार के साथ जुड़ गया है। हाँ, खेत छोड़ दिया। तो अब इसमें से 42 परिवारों को छोड़ दें तो बाकी सारे परिवार आत्मनिर्भर हो गए हैं।
और इस गांव में चार छोटी छोटी दुकानें हैं। आपने फोटो डाले थे सोशल मीडिया पे। हाँ, दलित बस्ती में जहां पर सिगरेट बिकता है, फेयर एंड लवली क्रीम बिकता है, शैम्पू बिकता है, शैम्पू बिकता है, पार्ले जी बिस्किट बिकता है, टूथपेस्ट बिकता है, इस तरह से करीब 50 से 60 आइटम बिकते हैं चारों दुकानों में। और हम इसे ही दलित मुक्ति कहते हैं। हम इसे ही दलित मुक्ति कहते हैं। आज यह भी हमें ये पता चला कि दलित दुल्हन यानी दलित बहुएं जो शादी होकर विदा होकर आती हैं और दलित लड़कियां अपने खेत पर भी नहीं काम करती हैं। दलित महिलाओं का पहले हम लोग बचपन में देखते थे 3 बजे भोर में उठ के जाके गेहूं काटने जाती थी, गाना गाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब सिस्टम नहीं दिख रहे हैं। खत्म है, गाना गाते हुए गेहूं काटने जा रहे थे सिर्फ माइग्रेशन की वजह से। और अब जो है यहाँ से 10 से 15 महिलाएं डेली मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं इस धरवारा गांव से। और यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग खेत में से जब अपने खेत में से भी जब गेहूं या धान के बोझ लाते हैं तो सर पर रख के नहीं आते हैं, या तो ठेला से आता है, कुछ तो साइकिल से लेके आते हैं, कुछ छोटे छोटे बोझ बना के लेके आते हैं। नहीं तो दलित महिलाओं के सर पर 30-30, 40-40 किलो के गेहूं के बंडल हुआ करते थे। उस भयावह स्थिति से अब इस सवाल पर कभी अंबेडकरवादी मंचों से कोई बहस देखा है आपने? जब उदारीकरण LPG आया, हाँ, मैं तो कुछ दिन तक लोग समझते थे LPG सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो जीएनयू में इस नारेबाजी से बाहर निकलने वाला पहला मैं स्टूडेंट था। अच्छा, मैं कभी न कभी मेरे दिमाग में ये मैंने सुन रखा है कहीं कि हिंदू को 7 समुद्र पार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस आरंभिक मध्यकाल के लिटरेचर में है ये, है ना, इस बात को कलयुग में। हाँ, तो LPG का विरोध सबसे पहले RSS ने शुरू किया, फिर वामपंथी भाई लोग आए, और फिर दलित आए, तो दलित सबसे आगे कूद कूद कर निकल गए इसका विरोध करने के लिए। और आज जो है ये जो है इस गांव से इतनी भारी संख्या में दिल्ली की फैक्ट्री महानगरों में, मतलब वहाँ कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ड्राइवर बन रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, यह मौका हम यह सिद्ध कर देंगे कि यह 10-15 साल की बात है। इस सर्वे में सारे दलित माइग्रेंट्स का उम्र हमने पूछा, हमारी टीम ने, यहाँ नीरज बैठे हुए हैं, आज कैमरा संभाल रहे हैं वो, हाँ आज कैमरा संभाल रहे हैं तो इनकी औसत उम्र 30 साल 5 महीने है, एवरेज जो माइग्रेट करके निकले हैं। हाँ, इस पिछले हफ्ते की ये हमारी रिपोर्टिंग है। तो अगर 30 साल इनकी औसत एज है, इसका मतलब 15 साल पहले निकले होंगे। 15-16 साल की उम्र में लोग बच्चे भागते हैं ना बाहर बम्बई दिल्ली, तो 15-16 साल का निकले हैं, इसका मतलब ये जो है उदारीकरण के आने के बाद ये मार्केट जब ओपन हुआ तब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है प्राइवेट सेक्टर में, ये कह रहे हैं ना। हाँ, तब जाके ये जो है दलित समाज इस गांव में मुक्त हुआ है। बराबर तो नहीं हुआ है, बराबर होने में टाइम लगेगा, पर एक हलवाहेबाजी से छुट्टी होना, लैंडलॉर्ड साहब के घर पर 6-7-8 घंटे बिताना, उससे मुक्ति से बड़ी और मुक्ति क्या? ह्यूमिलेशन भी होता था ना कई बार, गाली भी, ह्यूमिलेशन ही होता था। दलित महिलाएं जब धान की रोपनी करती थी और बारिश हो रही है तो जमींदार कई लोग जाके जो वहाँ खड़े होकर वॉच करते थे, कटाक्ष करते थे। तो जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं, यूरोप में फ्यूडलिज्म समाप्त हुआ तो कैपिटलिज्म आया और बेहतर जीवन बना उनका, दलित समाज से फ्यूडलिज्म और लैंडलॉर्ड के खेत और खलिहान से मुक्ति
से बड़ी क्रांति कुछ और नहीं हो सकती है। तो आप ये इसमें कह रहे हैं कि भाई वो गांव जो है धरवारा, ये अब सामंतवाद के चंगुल से मुक्त हुआ, मुक्त हो चुका है, और इसको मुक्त करने वाले दो लोग हैं, ए एंड ए, अंबेडकर एंड एडम स्मिथ। मुक्त बाजार, अंबेडकर का रूल ऑफ लॉ, अनलेस इज फेयर, एडम स्मिथ। हाँ, एडम स्मिथ का। आपने एक सवाल कहा था वो कि आपने ये सब, उस पर आऊँगा अभी, इसमें मेरी दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है। हाँ बताएं। ये एक तरह से ये समझा जाए कि ये सैंपल है एक गांव, और कितने गांव पे आप तक आपने किया है? 5 गांव पर कर रहे हैं स्टडी हम। अच्छा, 5 गांव पे, आजमगढ़ के ही? आजमगढ़ के ही। अच्छा, और 5 गांव में 25-25 किलोमीटर तक की दूरी है। उसमें से एक गांव ब्राह्मण बाहुल्य है, जो कभी ब्राह्मण कब्जे वाला गांव है, एक गांव है भूमिहार कब्जे वाला गांव, और 3 गांव ठाकुर कब्जे वाले हैं। तो ये आइडेंटिफाई कैसे किया आपने इसको अपना सैंपल स्टडी के लिए? देखिए, जब हम बीच में नक्सल आंदोलन ज्वाइन कर लिए थे तो हमारी पोस्टिंग आजमगढ़ में ही हो गई थी। अच्छा। कॉमरेड वहीं पे समा तो हम सब देखते थे तमाम गांवों को, रिश्तेदारों को, यहाँ वहाँ सब वॉच करते रहते थे। तो फिर हमने कहा एक बार फिर रिविजिट किया जाए, कोई ना कोई परिचित मिल जाएगा। तो हम आना जाना शुरू किए। एक बात और बता दें, अब जब लैंडलॉर्ड्स के घरों पर शादी होती है तो पहले जैसे दलित महिलाएं बड़े बड़े बर्तन लेके जाती थी बचा हुआ खाना बटोर कर लाने के लिए, और अगर उसमें से कोई दलित परिवार नहीं गया सुबह खाना लाने के लिए तो उसको मार्क कर देते थे, यानी इसका दिमाग बढ़ गया है। अब दलित महिलाएं नहीं जाती हैं बासी खाना बटोरने के लिए। इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन क्या होगा कि बच्चे घर पर वेट कर रहे हैं कि माँ खाना लेने गई है बाबू साहब के यहाँ, लेके आएगी तो आज खूब खाना खाएंगे। अब जो मैं मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में कहता हूँ, जो 42 परिवार है उसमें से कुछ लोग लाते होंगे वो नहीं। अब लेनिन की 2 किताबें हैं और जो आप पढ़े होंगे और मैंने भी पढ़ा था अपने छात्र जीवन में, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, राज्य और क्रांति, व्हाट इज टू बी डन, क्या करें, व्हाट इज टू बी डन में लेनिन आर्गू करते हैं कि बड़ी क्रांति जीतने के लिए ना, कि बड़ा बैटल जीतने के लिए छोटे छोटे क्रांतियों को जीतते रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इस संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं एवरीडे रेवोल्यूशन, इट इज हैपनिंग, तो ये अम्बेडकर भी इस बात पे एग्री थे, वो भी हर पानी के लिए आंदोलन करने गए, मंदिर में जाने के लिए गए, हर चीज के लिए गए। तो ये पूरा जो लार्जर दलित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, उसके बड़े बड़े जयंती मनाए जाते हैं, उनके जहन में ये बात नहीं है कि यू हैव टू फाइट एवरीडे फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, एवरीडे फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन। अभी क्या हो गया है पिछले 30-35 सालों में कि किसी न किसी वजह से दलित ब्राह्मण फोबिक हो गया है। 3 बार गाली देते रहना। हाँ, दलित को, ब्राह्मण को इतना बड़ा शक्तिशाली देवतुल्य ताकत बना दिया है कि दलित या तो उससे भयभीत है या तो उससे घृणा करता है। इस प्रोसेस में हलवाई प्रथा खत्म हो गई, दलित महिलाएं झुक करके जमींदार के खेत पर रोपनी कर रही हैं, यह भूल गए। दलित महिलाएं वहां से खाना बटोर कर लाती हैं, पूरा दलित पुरुष परिवार, पहले जानवर मर जाता था तो जाके ले जाके मांस भी उसका उतार के लाते थे, सब बंद है। अरे खत्म, आपका चिकन खा रहे हैं लोग। हाँ, खत्म। आप किसी भी गांव में अप्रकाश से किसी से पूछ लीजिए कि मुर्गा चमार पासी बस्ती में ज्यादा खाया जाता है कि बाऊस आप लोगों के यहाँ? अरे आजकल यही चिकन फिकन यही खाते हैं, तो इसीलिए चमक बढ़ रहा चेहरे पे। आपको मैं बता दूं, आप मेरे साथ सर्वे कर लीजिए, पूरे एक गांव के दलित बच्चों का जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं उनकी हाइट नाप लीजिए और उनके पेरेंट्स की हाइट नाप लीजिए, अंतर नजर आएगा ना। कम से कम 2 इंच का अंतर आ गया। 3 अभी लैक्टोजन पी रहा है, दूध पी रहा है, अंडा खा रहा है, जो भी कर रहा है। दलित बस दुकानों पर अंडे भी बिक रहे हैं, प्रोटीन ले रहा है पूरा। जो कभी दलित महिलाएं
भूखों पेट सो जाती थी बच्चों को कुछ खिला खिला करके। तो दलित आंदोलन इन सब चीज़ों से अपने को एकदम दूर रखा है, और यही वह वजह हैं इसी तरह की जो माइंड सेट हुआ है दलितों का, कि दलित बाबा साहब द्वारा जीती हुई लड़ाई को हार रहा है और इससे उसमें गुस्सा भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी तो वो आपके राइटिंग्स पे आऊँगा बाद में, जो 208 घर पे आपने रिसर्च किया, 228 तो उसमें से अब झोपड़ी से पक्का के मकान बन गए होंगे, लोग अपने आप बना रहे हैं, कितने मोटरसाइकिल कार भी दिखे होंगे, हम तो समझते हैं हर तीसरे घर में बाइक होगी, हर तीसरे घर में। पहले लोग साइकिल भी पड़ोसी से मांग के जाता था न्योतापुर में, अरे साइकिल आ जाती थी तो पूजा होती थी उसकी। तो हर तीसरे घर में बाइक है, कार भी है, कार तो दो चार लोग के पास है हर गांव में, है ना। पर तो सबसे बड़ी जो मेरा 40 साल में 30 साल में ये चेंजेस आए हैं, मेरा जो जो पैमाना है, दलितों की साड़ियाँ अलग होती थी, दलित महिलाओं की साड़ी पहनने का अलग से तरीका होता था, और पुरुषों की धोती जो है घुटने तक नहीं होती थी। दलित दुल्हन 4 दिन बाद घूंघट तोड़ करके खेत पर लग जाती थी मजदूरी में। मेरा अफ्लुएंस यानी कितने दौलतमंद दलित हो गए, इससे ज़्यादा मेरा रिश्ता नहीं है, मेरा ये इस पर ज़्यादा चिंता नहीं है। चिंता है दलित किस तरह से लैंडलॉर्ड से मुक्त हो गए। तो इस पर एक बात बताइए आप, जो लैंडलॉर्ड से गांव में, उनसे भी आपने बातचीत की होगी ना, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? उनका कहना जमाना बदल रहा है, खत्म बात, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। हाँ, इसमें से 50% जो है बाबू साहब लोग दलितों के घर शादियों में अगर इन्विटेशन आता तो जाते हैं, खाते हैं, न्योता बिहानी भी हो रहा है। हाँ, और जो आते हैं दलित लोग, लोगों को इनवाइट करते हैं, दलित तभी आता है जब उसे मालूम है कि उस सिस्टम सबको बना हुआ है, सब उसी में हम भी खाएंगे लाएंगे, बफे सिस्टम। हाँ, तो ह्यूमिलिएशन यानी दलित का जो अपमान था, और फ्रीडम मुक्ति, कोई उनका समय सोने का डिसाइड करता था, आप जो कह रहे थे 3 बजे ही उठ चुका हुआ उगता था तो भागना पड़ता था, उनके सोने का, उनके जगने का, उनके खाने का सारा डिसीजन कोई एक सिस्टम करता था, उससे मुक्ति मिली है, अब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आज़ाद है। हाँ, मैं कभी टाटा या बिड़ला या अंबानी नहीं बन सकता ना, पर मैं उनसे मुक्त हूँ ना। दलित लैंडलॉर्ड नहीं बन सकता, उसके पास आम की बाग नहीं है अभी, पर अपने आप है ना, मुक्त है ना वो, किसी के इशारे पर नहीं नाचना है, नहीं नाचना है किसी इशारे पर। और ये सब सारी चीज़ें अंबेडकरवादी आंदोलन में कभी बहस बहस के लिए भी जगह नहीं बना पाई। अंबेडकर नामा में तो बहस चलता रहता है, अभी शुरू हुआ है ना, आप शुरू किए हैं, तो उसमें तो इसमें तो बहस बढ़ रहा है, बहुत दलित लोग भी मुझे गाली देते हैं सोशल मीडिया पर। अब ये तो अलग बात है, मुझे इस पर बहुत चिंता होती है कि बाबा साहब इतना का इतना जबरदस्त टकराव गांधी जी से था, लेकिन बाबा साहब की जुबान कभी नहीं फिसली। नहीं, अब ये तो लगता है कि ये जो दलितों की एक पीढ़ी अस्पताल में बदल गई है, किसी और साहब, लेकिन अंबेडकरवादी कहता है तो अब अस्पताल में बदल दिया गया है, दलित नहीं है तो अंबेडकरवादी कैसे हो जाएगा? इसकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, लिखना पढ़ना तो आता ही नहीं होगा, पढ़ने का तो सवाल है, छोड़ दीजिए जुबान। दलितों में देखिए इधर जो कट्टरपन जो बड़ा है, जिस तरह से अपर कास्ट में बड़ा कट्टरपन, वैसे दलितों में बड़ा है, और इधर दलितों में लफंगई बहुत आई है, गैर जिम्मेदारी भी, किसी को कुछ कह देना। तो अब तो ये भी तो उसी का ऑफशूट है ना, जो सामंतवाद से पूंजीपाद में जा रहा है, अब हिंटो हीरो होंडा पहन लिया, एकदम चश्मा है वो लगाया, 7 रंग वाला चश्मा मारा इसे एकदम पूरा इंटरनेट लगा के, बोला कौन चंद्रभान जी। हाँ, कौन, कोई लोग पूछते हैं कौन चंद्रभान प्रसाद, कोई लोग पूछते हैं कि क्या आपने किया है, अरे जाए उत्तर प्रदेश में चले जाइए और पूछिए हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज में, करना मेरा काम भी नहीं है, वो अगर किया है तो एक्स्ट्रा एफर्ट ले किया है, एक्स्ट्रा एफर्ट। तो आज देखिए चंद्रभान जी, पहले क्लैरिटी हो जाए, आप इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे हैं या अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो ना किसी से वोट लेके कर रहे हैं, ना किसी से चंदा लेके कर रहे हैं,
और किसी पर निर्भर हैं, निर्भर हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर अगर मैं पढ़ाता हूँ या रिसर्च कर रहा हूँ, तो न किसी से वोट लिया है, न किसी से चंदा लिया है। ये तो जिम्मेदारी उनकी है कि जो कि वोट लेते हैं और चंदा लेते हैं वो आंसरेबल है ना समाज के प्रति। हम अगर नहीं कुछ करें, अम्बेडकर नामा बंद हो जाए, हम कहीं धरना प्रदर्शन में नहीं जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? कहीं बाधता है मेरी कोई नहीं। फिर भी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल होता है वो रास्ता दिखाता है। हजार लोग मिलकर एक इंटेलेक्चुअल नहीं बनते हैं, हजार लोग मिलकर कोई आइडिया नहीं पैदा करते, एक आदमी आइडिया करता है। तो दलित समाज में जो चिंतन है, डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, उसमें ये सब तर्क वगैरह का कोई जगह नहीं बचा है। लफंगई दबंगई बस यही रह गई है, और इसीलिए पतन हो रहा है, पतन निश्चित है। चलिए तो एक बात बताइए, वो जो जितने आपने 228 घरों का देखो, उनके आर्थिक समृद्धि का कल्चरल सोशल लेवल पर जो रिएक्शन है, जो वो तो आपने बताया कैसे है, पॉलिटिकल लेवल पे किस तरह का रिएक्शन है? उसमें जो यूथ है वो तो सोचता है आदमी तो कलम हुक्मरान बन जाएंगे। अच्छा। जो 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 हाई स्कूल फेल हो गया वो तो फरीदाबाद में है, हर महीने भेज रहा है 2,000-4,000 घर। जो BA MA करते जा रहा है और नौकरी की तलाश में है, तो वो रैलियों में जाता है, ताली बजाता है, बस में बिठा दीजिए, पूरी सब्जी दे दीजिए तो खा के आपकी रैली में भाग ले लेगा। अब जहाँ वोट करना है वो कहेंगे वहाँ वोट दे देगा, उसके बारे में भी कोई बात नहीं करता है। सवाल तो यही है ना कि एक तरफ आप बंधन तोड़ रहे हैं और उसके बाद जो पूरा क्लास निकाल रहे हैं वो किस तरह का क्लास है? देखिए रिवर्स जर्नी हो रही है। दलित जो गाँव में है और जो जो सरकारी नौकरी मिल गई 100 में से 7 लोगों को, हमारी रिसर्च यही बताती है, और बाहर जो गए हैं 100 परिवारों में से 112 परिवार गए हैं बाहर, 112 लोग बाहर गए हैं, तो जो गांव में रुक गया है वो तो दलित इसी सपने में हम कभी इन पर MLA MP बनने से ज़्यादा कोई ड्रीम नहीं है ना, कुछ नहीं यार, शासक बनने का ड्रीम तो शासक है, शासक बनने का ड्रीम है। हाँ। ओके, चलिए तो ये सब चीज़ें मैं देख रहा था लेकिन मैं में बोल नहीं पाया कभी। नहीं तो वही आ रहा हूँ सवाल पे, आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, और ये वीडियो देखते रहेगा पूरा, कैसे आजमगढ़ का एक गांव हुआ सामंतवाद से मुक्त। आखिरी सवाल चंद्रवान जी से ले रहा हूँ, इतना अभी आप उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं, आप एक प्राइम टाइम जब आर्टिकल अखबार में लिखते थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में कॉलम आपको मिला हुआ था, डायरी लिखते थे, लेख लिखते थे, अगर 25 साल पहले रास्ता अगर दिखाए रहते लोगों को तो थोड़ा और डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता था मामला। वो एक बहुत अलग उसका कारण है। क्या है बताइए, मतलब पता नहीं ठीक लगेगा कि नहीं। हाँ बताइए ना, इसलिए मैंने कहा ना पहले राइडर लगा दिया कि आप हमको भी लोकाता उपदेश देते हैं, घर बैठे बैठे बात करते हैं, तो कहाँ जाए, सड़क लूटना थोड़ी है। हमारे गाँव में एक बार लकड़ी का कटाई, किसी का पेड़ कटा था, मुसहर समाज के लोग थे, पेड़ को काट रहे थे, और हमारे घर में पासी बस्ती यहाँ है, चमार बस्ती यहाँ है, बीच में एक ट्यूबवेल है बड़ा वाला सरकारी, तो हम लोग भी देख रहे थे पेड़ कैसे टूट टूट कटेगा, ये लोग कैसे काटेंगे लकड़ी, तो वो 2-3 दिन से टिके हुए थे, तो मुसहर लोग इसमें पानी पीने के लिए वो घड़ा लिए थे, और चमार समाज के बच्चा उसको छू दिया, मेरे सामने उस घड़े को मुसहर ने फोड़ दिया। ये भी एक समस्या। अरे चमरा का बच्चा छू दी हल हो, तो उत्तर भारत में इस व्यवस्था से कोई अगर टकराया है तो चमार समाज टकराया है, खुल्लम खुल्ला एकदम, दोनों तरह से, पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी, इंटेलेक्चुअली भी। इंटेलेक्चुअली गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणों को पराजित किया, चमार रेजिमेंट ने कोहिमा में जाकर रॉयल जपनीज आर्मी, हिटलर बैक्ड रॉयल जपनीज आर्मी को हराया। एक दिन उसी पे पूरा एपिसोड करेंगे। हाँ, और चमार समाज सेक्रीफाइस करता है, चंदा देता है, अम्बेडकर बात पर के नाम पर कुछ भी उनसे मांग लीजिए। मैं पासी समाज से बिलोंग करता हूँ, एक जाति है बहुत अद्भुत किस्म की जाति है, इधर लखनऊ से लेकर उधर बिहार तक जाती है, लखनऊ से इलाहाबाद तो बहुत डेंस पॉपुलेशन है। हाँ, इसमें कुछ बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, अफसर हुए हैं,
जैसे गोवर्धन लाल मान्यवर कांशीराम को लोग बताते हैं बहुत मदद किया है उन्होंने, एकलव्य सरोज हुआ करते थे कमिश्नर इनकम टैक्स, जो भी उनके पास गया उसको मदद कर देते थे, एक कन्हैया लाल हैं रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और ऐसे दर्जन भर या 20 लोग होंगे जो अम्बेडकर बाद में इन्वेस्ट करते हैं, वर्मा जी हैं लखनऊ में रहते हैं। अदरवाइज पासी समाज का व्यक्ति उसको उसका चित्रण इस तरह से है कि अगर कोई 5 बार लंच कराइए तो मना नहीं करेगा, बहुत खाते हैं, इनके मुंह बड़े बड़े होते हैं, पर आप कौन खाते हैं चंदा नहीं देते हैं अम्बेडकर बाद। अरे ये ऐसी मेरे अपने परिवार में मुझे हड़िया बर्बाद, मुझे मेरी एक बात नहीं मानते, अभी भी मेरे यहाँ एक शादी हुई है, एक लड़का संविधान से नौकरी पाया है और उसी शादी में अम्बेडकर की इतनी बड़ी भी फोटो नहीं, पूरा हिंदू विधि विधान से। तो ये चमार पासी समाज है, मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ जो केवल खाता है, आरक्षण खाता है, वजीफा खाता है, ये सब खाता रहता है, और बात कपड़ा नहीं अच्छे से पहनता है, बोल दीजिए कि ठीक ठाक कपड़ा पहनो, जब मुंह धो लो ठीक से तो बुरा मान जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कहा कि मेरा उतना नैतिक बल नहीं है कि चमार समाज जिस आंदोलन को खड़ा कर रहा है उसको मैं क्वेश्चन करूँ, यह नैतिक बल में जुटा नहीं पाया, इसीलिए आप नहीं लिख पाए, इसीलिए नहीं लिख, सिर्फ एक कारण, मैं डरता नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो मतलब आप ये समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे कि आप टकराव होगा राजनीतिक फोर्सेस से? नहीं नहीं, ये नहीं भाई, पासियों के यहाँ ब्राह्मण आते थे ना शादी कराने, चमारों के यहाँ नहीं आते थे, तो शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, सही केवल चमार सोच सकता है, असली गर्मी चमार में हो सकती है जो इस व्यवस्था से लड़ा है और लड़ रहा है आज और त्याग कर रहा है, पासी खवक्कड़ है, उस जाति से मैं आता हूँ तो स्वार्थी है पासी, तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, तो पास चमार साहब लोग जो कर रहे हैं वही सही होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं किया, ये मेरी गलती है। क्वेश्चन तो कर देगी, रिसर्चर का काम ही क्वेश्चन करना, तब न्यू फाइंडिंग्स आते हैं। तो मैं वजह बता दिया ना, ये लोग इतना त्याग करते हैं, दुनिया खड़ी कर रहे हैं, मान्यवर कांशीराम साइकिल पर साइकिल चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, और उनके फॉलोवर जो है उनके फॉलोवर पर दिमाग नहीं है ज़्यादा, वह एक प्रयोग किए ना, प्रयोग था वो 85-15 एक प्रयोग था ना, वो कितने 78 से बोल रहे हैं बैकवर्ड भाइयों मेरे साथ आओ मेरे साथ आओ, बैकवर्ड भाई साथ गए ना, 48 में तो बाबा साहब भी बोले थे, तो क्या बाबा साहब को बैकवर्ड लोग मान गए, एक प्रयोग था, अब उनके जो फॉलोवर्स हैं उसकी अति कर दिए हैं, तो अब इसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की थी, मेरी भी थी, लेकिन मैं इसी पसोपस आप समझे कि टकराव हो जाएगा, नहीं टकराव नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। पासी कैसे सही सोच सकता है जो 10 बार लंच कराइए तो 10 बार लंच करेगा, इतना बड़ा बड़ा मैंने सुना है कि लखनऊ से उधर डलमऊ राज बनाने में बहुत व्यस्त है, चर्चा चल रही कि डलमऊ किला पर जो है फतह करना है, क्या है मामला? पहले सुवरिया चराना तो बंद करें नहीं, डलमऊ वाला मामला क्या है ये पता नहीं, सब पासी बोलते हैं लखनऊ के आसपास हम राजा महाराजा थे, हाँ वही डलमऊ राजा, हाँ और 3-3 किलो के, किस बात पर भाई, कोई उदाहरण दीजिए, अरे फलाना पासी जानते हैं कितने बड़े ताकतवर थे, कितने बड़े, 4 किलो सुअर खा जाते थे तो यही पासी ताकत है, 4 किलो सुअर खा जाते थे, कई बार तो पासी बारातों में बड़े बड़े सुअर करते थे, तो उसमें खाने के बाद कौन सबसे बलवान पासी है, कौन राजा रहा होगा किसी जमाने में, अच्छा उस राजा का एविडेंस वगैरह कुछ लिटरेचर लिखा है, क्या बता रहे हैं, नहीं लिटरेचर को रिसर्च किया, शोध किया है, वो तो नहीं मालूम, जो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो फिर हड्डियां तोड़ी जाती थी कि किसके आगे कितनी हड्डी है, ये 1.5 किलो हड्डी है, हाँ ये पासी जो ये राजा रहा होगा, जरूर राजा रहा होगा, और खाने के बाद वो सब देते थे सुअर का जूस जो होता है, एक एक गिलास दो गिलास पी जाते थे, फिर एक आदमी जो सुअर की गणतरी होती है इतनी बड़ी, है कोई पहलवान, है कोई पहलवान, है कोई पहलवान, खाएगा पूरा खाने के बाद फिर 2.5 किलो का वो गणतरी खा जाते थे पासी, तो ये वीडियो सुन के बहुत आप पे हमला होने वाला है, अरे पासी मैं भी पासी हूँ ना, क्या डरना, जो 4 बार 5 बार 6 बार लंच करता है उसे चंद्रभान प्रसाद डरेगा,
जो केवल नौकरी खाता है, वजीफा खाता है, नौकरी 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 भी खाएगा आरक्षण की, पेट्रोल पंप भी लेगा आरक्षण की, गैस एजेंसी भी लेगा आरक्षण की, सुअर पालन के लिए लोन भी लेगा आरक्षण से, केवल लेना है, देना कुछ नहीं है, उससे कौन डरेगा जिसके पास नैतिकता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खास कम्युनिटी ने एक लेवल पे खड़ा किया, वो भी अब दिग्भ्रमित हो रहा है एकदम, नहीं जो एजेंडा चला था वो भी अब इधर उधर डगमगा रहा है, उसमें भी कुछ वैचारिक रूप से बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है, खत्म सब, दलितों का स्वर्ण युग अब जा रहा है और दलित मस्त नींद में सो रहा है कि हम पार्लियामेंट के छत के ऊपर जो है जाएंगे। बहुत बढ़िया, बाबा साहब ने रेलवे कामगार यूनियन को संबोधित करते हुए कहा था कि दो दुश्मन है, अस्पृश्यों के दो दुश्मन है, एक ब्राह्मणवाद एक पूंजीवाद। उन्होंने स्टेट कैपिटलिज्म की वकालत जरूर की थी, निजी संपत्ति के पक्ष में थे बाबा साहब, मैं बता दूंगा आपको। और जाहिर है कि सामंतवाद से पूंजीवाद एक कदम आगे है, लेकिन उसके आगे क्या है, उसको कैसे कैसे रिएक्शंस ऑफशूट आ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि समृद्धि आई है लेकिन चेतना के स्तर पर, जिस तरह से चंद्रभान जी कह रहे हैं कि हीरोंडा में घूम रहा है, 10 रुपये का नेट बढ़ा के हम ही से पूछता है क्या किया आपने, तो वो चेतना के स्तर पर कहीं ना कहीं अभी भी या तो भ्रम फैलाया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनके नेता कर रहे हैं, उनके आसपास के जो हुक्मरान बनने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं कि चंद्रभान जी जैसे आपको सर हुक्काराम। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा, और अगले एपिसोड में जब चंद्रभान जी से मिलूंगा तो एक खास विषय पर चर्चा होगी। कम से कम सोचिए, ये अम्बेडकर नामा एक मुहिम है, ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, जितने लोग सुने खूब अच्छे से सुने और सोच दिमाग पर बल दीजिए, सोचने की आदत डालिए। शुक्रिया, जय भीम। शुक्रिया चंद्रभान जी। शुक्रिया, जय भीम, जय भारत।